बच्चे बहुत प्यारे भाई। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई? वेरी गुड इवनिंग बच्चों। SBRT स्कोर बूस्टर रिवीजन टेस्ट सीरीज का टेस्ट संख्या 6 अभी जस्ट कंडक्ट हुआ है और इसमें आपने बच्चों इसमें 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 आपने क्या देखा होगा, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का था बेटा। बहुत खूबसूरत। चलिए कल्पना कृषि, चलिए बेटा तो हम स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग भाई। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहले सवाल से, और डिस्कशन का मतलब बेटा हम आंसर आपको परफेक्ट गेस बताते रहेंगे, प्लस टेक्निक डेवलप कर टेक्निक जो डेवलप हुई हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उन्हें डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। और उम्मीद करता हूँ आप चैट बॉक्स पर एक्टिव रहें बेटा। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन रॉड है सेम डायमेंशन की और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी एज गिवन 3K, 2K और K दी गई है। ऑलराइट, हमसे कह रहा है कि इनके एंड्स का टेम्परेचर अगर 100, 50 और 0 डिग्री सेल्सियस, जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। तो बच्चों जंक्शन का टेम्परेचर मान लीजिए थीटा, मतलब इन जनरल कहते हैं मान लीजिए जंक्शन का टेम्परेचर थीटा है, तो जो हीट पहली रॉड से जाएगी वो आगे जा करके कह सकते हो किरचॉफ लॉ के हिसाब से लेकिन दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक पार्ट H1, सॉरी एक पार्ट H2 और एक पार्ट H3 में। अब देख सकते हो कंजर्वेशन के हिसाब से कि जो हीट गई है H/s दैट इज इक्वल टू पहले रॉड में गई हीट प्लस दूसरे रॉड में गई हीट, और हीट के फ्लो को लिखा जा सकता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। और बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस की जगह बेटा L अपॉन K इंटू A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबकी जो डायमेंशन है सेम, मतलब सबका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी L सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, फर्क है K का। तो एक्सप्रेशन लिखता हूँ बेटा, तो H का पहला एक्सप्रेशन पहली रॉड का आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दैट मीन्स 100 माइनस थीटा अपॉन नीचे क्या जाएगा बेटा L अपॉन K मल्टीप्लाई बाई K की जगह बेटा कितना, K की जगह 3K मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू H1। H1 मतलब ये हो गया H1 बराबर H2 प्लस H3 बेटा। H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। H1 बराबर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन L अपॉन K। दूसरे के लिए देखो बेटा H2 डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर थीटा माइनस 50 अपॉन L अपॉन K मीन्स 2K मल्टीप्लाई बाई A। ऑल राइट, प्लस लास्ट आर्टिकल आ जाएगा थीटा माइनस 0 डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन L अपॉन K A, L अपॉन K A। ऑल राइट, इसको इत्मीनान से जब सॉल्व करोगे बेटा तो मोस्टली KAL और KA एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा सारे एक तरफ ला करके सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली थीटा का आंसर आ जाएगा थीटा बराबर 200/3। तरह तरीका पता चला बेटा। सो सेकेंड ऑप्शन पहले वाले का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द रॉड टेम्परेचर ऑफ होल रॉड विल बी यूनिफॉर्म। तो बच्चों कह रहा कि अगर किसी रॉड को एक एंड से गर्म किया जाए और पूरी रॉड का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे, इसका मतलब टेम्परेचर यूनिफॉर्म का मतलब इसमें जो ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है, इसे हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं, वो शून्य होनी चाहिए भाई। डिफरेंस ऑफ अगर पूरी रॉड का टेम्परेचर यूनिफॉर्म तो किन्हीं दो सेगमेंट्स का जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो होना चाहिए। अब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन लेंथ, इसको अगर ऊपर चाहो तो के ए से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा कह सकते हो अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम है तो पूरी रॉड में हीट का फ्लो नहीं होगा भाई, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो कि हीट फ्लो इज जीरो एंड हीट फ्लो इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन एल अपॉन ऊपर आ जाएगा बेटा के मल्टीप्लाई बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। लॉजिकली सोचो बच्चों, जो एल अपॉन के ए वाला टर्म है सो डिफरेंस, अगर रॉड का टेम्परेचर सेम है तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला टर्म है ये टर्म बेटा होना चाहिए जीरो, और अगर इस टर्म को जीरो है इसको, या ऐसा कह दें हम कहते हैं हीट का फ्लो रेट कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हीट का फ्लो रेट कुछ भी हो अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसको जैसे नीचे भेजोगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला टर्म जीरो, समथिंग अपॉन जीरो गोज टू इनफाइनाइट, इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशियंट इनफाइनाइट है। इसको लॉजिकली समझो अगर कि जिस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशियंट इनफाइनाइट होगा उसमें पर सेकेंड हीट का फ्लो जितना इनकमिंग एग्जैक्टली उतना आउटगोइंग विदाउट टेकिंग एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। सो के इज इक्वल टू जीरो, तो दूसरे के चौथे ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्लियर, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, ऑल राइट, बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई, ठीक है बच्चों रिस्पॉन्ड भी करते रहो चैट बॉक्स पे, आलसी मत नहीं है। जो क्वेश्चन, हम जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करें,
लेकिन आप जब तक चैट बॉक्स पर एक्टिव हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप फटाफट सारे क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड आंसर देते रहिए बच्चों। और ये पेपर वाकई ठीक है, थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ है, मजबूत पेपर है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर द थर्मल रजिस्टेंस, आपको पता होगा थर्मल रजिस्टेंस का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल हीट। भाई एच बराबर डेल्टा थीटा अपॉन आर, तो रजिस्टेंस बराबर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन थर्मल हीट। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को के से लिख सकते हो और हीट को लिख सकते हो बेटा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। वाई? बिकॉज इट इज नॉट एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसको ऊपर ले जाओगे तो एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री और के की पावर वन, या थीटा लिख सकते हो, केल्विन को कहीं के थीटा लिखा जा सकता है, सो इट इज थीटा। सो एम माइनस वन ठीक है, एल माइनस टू होना चाहिए बेटा, एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री और थीटा, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है विच आर द फॉलोइंग लॉ सजेस्ट गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठा के रख दी गई है, ठीक है बेटा, ठीक है। तीसरे का ए पार्ट सही है बेटा, तीसरे का पार्ट सही। चौथा क्वेश्चन देखिए जरा सा, कह रहा क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा ऊर्जा के जो ऊष्मा के यानी हीट के जो अच्छे एब्जॉर्वर होते हैं वो अच्छे रेडिएटर भी होते हैं। जैसे कि डेजर्ट के बारे में बात एनसीईआरटी में लिखी है कि डेजर्ट जिनमें जितना गर्म होता है रात में उतना ही ठंडा होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट वैसा किरचॉफ साहब का है ना। ये भी कहते हैं कि किसी बॉडी के इमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, और वो रेशियो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के इमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी रेशियो के बराबर होता है, क्लियर है। ये सेकंड रहा बेटा, सेकंड के बाद आते थर्ड, सॉरी चौथे का सेकंड, पांचवा सवाल। अच्छा सवाल, कह रहा दो स्फीयर्स हैं सेम मटेरियल के, उनकी रेडियस आर फोर आर है, टेम्परेचर टू टी नॉट और टी नॉट है, रेशियो ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर ये है बेटा जिसकी रेडियस आर है, एट द सेम टाइम हमारे पास दूसरा स्फीयर ये है बेटा जिसकी रेडियस टू आर फोर आर फोर आर है बेटा। इसका टेम्परेचर बेटा टू टी नॉट है, एट द सेम टाइम इसका टेम्परेचर टी नॉट है। इससे रेडिएटेड हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपको पता होगा स्टीफन साहब के हिसाब से सिग्मा टी की पावर फोर। एनसीईआरटी एक टर्म और इस्तेमाल करती है कि हीट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर और अपॉन एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा इमिसिविटी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए टी की पावर फोर। याद आया कुछ कुछ भाई, एनर्जी पर यूनिट टाइम चाहो तो एरिया नीचे ले आओ तो बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बराबर सिग्मा टी की पावर फोर। उसमें इमिसिविटी एक फैक्टर है जो कह सकते हो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, राइट। अब सुनो बेटा, तो हम दोनों एक्सप्रेशन ध्यान रखना, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ कि पी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर फोर। आइए एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। तो पहले का जो पावर है या पहले की रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी का रेशियो निकालना है। सो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू ई सिग्मा, सब कांस्टेंट रहेगा, एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टू टी की पावर 4 बेटा, 2t की पावर 4, टेम्परेचर की फोर्थ पावर, 2t की पावर 4। तो 2 × 4 × 8 × 16 टी नॉट की पावर 4 आ जाएगा बेटा, और लाइट यहाँ आ जाओ। फिर दूसरी बॉडी की एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम की बात करें तो E बराबर सिग्मा, सॉरी E सिग्मा एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 पाई 4 आर का स्क्वायर। सो 4 पाई 4 आर का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4 = 64, 4 × 4 = 4 की पावर 4 मतलब 4 × 4 = 16 नहीं 4 आर स्क्वायर, हाँ 16 हो जाएगा बेटा, 16 आर स्क्वायर। और लाइक यहाँ टेम्परेचर टी नॉट है तो टी नॉट की पावर 4। अब दोनों टर्म को आपस में डिवाइड करो, इतमान से बहुत ध्यान से देखो कि सब कुछ कट जाएगा, ई ई कैंसिल सिग्मा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 16 16 टी नॉट पावर 4 टी नॉट सब कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली रेशियो आपका 1:2 बना जाएगा। पांचवा पहला जी, ठीक 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 बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बढ़ चढ़ के आपने आंसर दिया। राहुल, कल्पना, पलक, रवि, ओम राजपूत, दीप्ति, उत्कर्ष, ऑल राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ चलते हैं बेटा। बॉडी कूल्स फ्रॉम, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा और समय अगर कम दिया होगा तो हम अंदाजा लगा लेंगे। 40 से 50 तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगता है, सराउंडिंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, फर्दर इसको 40 से 30 तक कितना समय लगेगा। तो अब समय 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो 5 मिनट गलत ऑप्शन है, दुगना टाइम गलत ऑप्शन है, 5/2 या 5/3 में से एक हो सकता है, है ना। तो इसको आप लगा सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी
माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को दो बार अप्लाई करो, एक बार 50 से 40 अपॉन टाइम लगा बेटा 5 मिनट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम 50 40 90 का आधा 45 एवरेज 45 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 15 राइट अपॉन सेकेंड कंडीशन बेटा 30 से कितने तक, तो 30 से थीटा अपॉन सेम टाइम इंटरवल फर्दर इन वॉट विल बी टेम्परेचर, नहीं नहीं कह रहा इन वॉट टाइम कितनी देर में, कितनी देर में 30 तक ठंडा हो जाएगा, तो 40 से 30 ठंडा करना है। टाइम मान लीजिए टी लगेगा, कांस्टेंट वही रहेगा बेटा एवरेज टेम्परेचर 40 30 70, 70 का आधा 35 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 15। और दोनों बातों का अगर आप डिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन आएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये 10 डिग्री का डिफरेंस, 10 डिग्री डिफरेंस कैसे के खत्म, तो बेटा यहाँ बचेगा 1/5 / 1/t और यहाँ बचेगा बेटा आई थिंक 30 और यहाँ बचेगा बेटा आई थिंक 20। तो डिवीजन करके आप आराम से रेशोरेंगे, ऑप्शन संख्या सेकंड आ जाएगा बेटा। कर लेंगे क्या, पूरा ही कर दें क्या भाई? भाई ध्यान से देखो, तो टी ऊपर जाएगा, लास्ट टाइम देख ही लो बेटा, टी बाई 5 इज इक्वल टू 30/20 मीन्स 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 × 15 का आधा 7.5 मिनट लगेगा। सिक्स्थ का ये आपका सेकंड का ऑप्शन, सेवन्थ नंबर आ जाइए। इंगन हॉज एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया था कि किसी गर्म पानी के कंटेनर में, गर्म पानी के कंटेनर में राइट अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी वाली रॉड्स डिप की गई थी और उन पर वैक्स लगाया गया था। वैक्स की लेंथ अगर एल हो और इस मटेरियल की थर्मल कॉफिशियंट कंडक्टिविटी के हो, तो कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वॉज प्रपोर्शनल टू एल स्क्वायर फॉर ऑल मेटल्स, यानी के अपॉन एल स्क्वायर केम कॉन्स्टेंट, केम कॉन्स्टेंट राइट। सो के अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन संख्या तीसरे के साथ जाएगी, सवाल संख्या 7 ऑप्शन संख्या 3। ऑलराइट, आठवें सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। इनमें बहुत सरल सवाल है, बहुत ही आसान भी, ठीक शाबाश। सी हाँ ठीक है बेटा, इसमें आ जाओ, किसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे थे बेटा, किसमें, सेवेंथ वाले में ऑप्शन है तो बेटा ढेर सारे। ये बेटा ऐप की एरर हो सकती, हो सकता है ऐप की एरर हो, आपके ऑप्शंस थोड़े से विजिबल ना हो, ऐसी परिस्थिति में टेस्ट को आप बिना सबमिट किए चाहो तो रिज्यूम कर लिया करो। हीट करंट इज मैक्सिमम इन विच आर द फॉलोइंग केस, तो बच्चों हीट करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सबसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का सबसे अच्छा होगा जब कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अच्छा होगा। आपको अगर एनसीईआरटी का चार्ट याद है जिसको हम लोगों ने रिविजन क्लास में किया भी था, उसमें फर्स्ट ऑप्शन निकल के आ गया जो कि कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे अच्छी होती है जबकि सबकी डायमेंशंस आइडेंटिकल है। तो स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी पुअर होती है, उसको लगाने से कंडक्टिविटी घट जाएगी, प्योर कॉपर की रॉड बनाओगे सबसे अच्छा थर्मल कंडक्शन रहेगा। आठवें का पहला पार्ट, चलते नौवें सवाल की तरफ, नाइन्थ नंबर बेटा, नाइन्थ नंबर बढ़िया सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल। करा ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ एडजेसेंट डायग्राम रिप्रेजेंट्स, क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज एक्स एंड वाई हैविंग द सेम सरफेस एरिया विद टाइम इमिशन ऑफ रेडिएशन, फाइंड करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी। तो बच्चों लॉजिकली समझो इस ग्राफ को खाली, कि टाइम के साथ साथ एक्स का भी टेम्परेचर गिर रहा है, वाई का भी टेम्परेचर गिर रहा है, बस ये कि टाइम के साथ साथ एक्स के कूल होने का रेट, टेम्परेचर गिरने का रेट, हीट रेडिएशन का रेट ज्यादा है, तो इमिसिविटी ऑफ एक्स नो डाउट ग्रेटर देन इमिसिविटी ऑफ वाई। भाई जो जिसमें टाइम के साथ साथ तेजी से डिप्रिशिएशन हो रहा है उसमें इमिसिविटी अच्छी है, और जिसकी इमिसिविटी अच्छी है किरचॉफ साहब कहते हैं उसकी एब्जॉर्प्टिविटी भी अच्छी होगी। ऑलराइट, जो गुड रेडिएटर होगा वो गुड एब्जॉर्वर भी होगा। सो क्वेश्चन संख्या 9 में हम लोग चलेंगे ऑप्शन संख्या 3 के साथ, जिसकी इमिसिविटी अच्छी उसकी एब्जॉर्प्टिविटी भी अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ चलते हैं बेटा, 10 नंबर देखिए। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड आर 100 डिग्री एंड 10 डिग्री टेम्परेचर एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। बच्चों ये आपके बिल्कुल सिंपल तरीके वाला सवाल है कि मान लीजिए स्टेडी स्टेट है और इस रॉड की जो लेंथ है बेटा वो 20 सेंटीमीटर है, 20 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है, टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड आर 100 डिग्री, ये 100 पर है और ये 0 डिग्री पर है। आपको बताओ, अच्छा 9 सेंटीमीटर पर चाहिए, तो यहाँ से 9 पर चले जाओ यहाँ कहीं, हियर समवेयर यहाँ का टेम्परेचर चाहिए, लेट दिस टेम्परेचर भी थीटा। तो ऐसी कंडीशन पर स्टेडी स्टेट की सबसे खास बात क्या है, ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कॉन्स्टेंट रहता है। तो जो ड्रॉप यहां से यहां तक होगा मीन्स 100 माइनस थीटा ओवर 9 दैट मस्ट बी इक्वल टू आप इसको भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी एक जैसा रहेगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, गलत तो नहीं कर रहे कुछ बेटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस जीरो, इधर से 9 एल अपॉन के ए, सही था बेटा, यहाँ थीटा माइनस जीरो अपॉन ए कितना बचेगा 20 में से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इंड लिया कहाँ से गया है, टेम्परेचर एट 0.9 फ्रॉम ए, ये ए इंड है बेटा, टेम्परेचर एट इंड ए एंड बी 100 0 9 फ्रॉम ए, सही तो चल रहा है बेटा। तो 100 माइनस थीटा अपॉन 9 इज इक्वल टू थीटा माइनस 0 अपॉन 11, राइट। अब बड़े इत्मीनान के साथ अगर क्रॉस हम बता दें, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट एक जैसी होगी बेटा, ऑलराइट। हाँ ठीक है बेटा, चलो तो इसका मतलब अब इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा बेटा 9 थीटा, आ जाएगा 11 थीटा, 9 और 11 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 1100, और सॉल्व करोगे डिवीजन करने के बाद तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में वो आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत छोटा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, प्रॉपर दिख नहीं रहा, ऑलराइट। 45 आएगा बेटा, तीसरा आ रहा, चेक कर लो भाई क्या आ रहा, चेक कर लो, ये 11 थीटा और 9 थीटा 20 थीटा, 1100 बराबर 20 थीटा, 0 से 0 खत्म। हाँ ठीक है बेटा, 55 आएगा, सी पार्ट, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक, 11th नंबर पे आ जाओ। अच्छा सवाल है, सीखने लायक सवाल है। अब इसको हम बता दें आपको तरीके से, ये सवाल अच्छा है। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल कह रहा है, कह रहा है कि सिलेंडर ऑफ रेडियस आर है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी का कॉफिशियंट K1 है, उसको एक स्फेरिक दूसरे सिलेंड्रिकल सेल जिसकी रेडियस 2R है और थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशियंट K2 से ढका गया है। तो तरीका देखिए, एक ये सेल रेडियस R, थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशियंट K1, और इसी के ठीक बाहर दूसरी एक ये सेल और थर्मल कंडक्टिविटी कॉफिशियंट ये आपका K2, और यहाँ रेडियस बेटा आपकी 2R, ऑल राइट। अब इंड के टेम्परेचर आप डिसाइड कर लीजिए, तो इंड के टेम्परेचर मान लीजिए, लेट दिस इंड बी एट थीटा 1 एंड लेट दिस इंड बी एट थीटा 2, तो जो हीट फ्लो होगी बेटा वो हीट इस पार्ट से भी जाएगी और इस पार्ट से भी जाएगी, इस पार्ट से भी जाएगी, तो आउटर पार्ट से जाने वाली प्लस इनर पार्ट से जाने वाली बराबर टोटल हीट बनेगी। तो मैं लिख सकता हूँ हीट टोटल इज इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट थ्रू आउटर पार्ट प्लस फ्लो ऑफ हीट थ्रू इनर पार्ट। आप इसे स्मार्ट लैंग्वेज में ऐसे भी सकते हैं कि हीट का टोटल फ्लो इज इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट थ्रू आउटर, बोले तो 2R बाहर वाले से, प्लस हीट थ्रू R। अब इस बात को बस इक्वेट करना, आओ इक्वेट करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर वाले से हीट के फ्लो का जनरल फार्मूला के ए डेल्टा हीट लगाएं, तो पहले टोटल हीट के बारे में बताओ, तो के इक्विवेलेंट भैया दोनों को मिला के आप एक कंपोजिट स्लैब समझोगे, सिलेंडर समझोगे, तो के एरिया बेटा 4πr² ये मत पूछना कैसे, अरे भैया पाई 2R का स्क्वायर, पूरे एरिया को देखो ना, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो के ए और क्या बचा बेटा, अरे हीट का जनरल फार्मूला लगाओ ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा जो कि बेटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 ही रहेगा, अपॉन एल अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू एरिया की जगह आ जाएगा बेटा 4, एरिया की जगह आ जाएगा 4πr² इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बाहर वाले में हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन एल अपॉन के, पहली वाली का K1 है, और एरिया बेटा जो अंदर वाली की बात करें, आउटर की बात करें, तो आउटर वाले देखो जरा सा एनुलर डिस्क, एनुलर सिलेंडर बनेगा, तो 4πr² में से अंदर का πr² निकाल दोगे तो 3πr² बचेगा बेटा, अंदर वाले की बात हो रही है, अंदर वाले की, नो नो सॉरी, सिलेंडर में जो बाहर की सरफेस है इसको ऐसे क्लियर कर दें बेटा, दोनों को कंपोजिट लोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, अंदर वाली को ले लो चाहे बाहर वाली को, चले बाहर बाहर वाली को लेते हैं, तो बाहर वाली में ये एनुलर डिस्क बनेगी ये, तो इसका के है K2, एरिया 4πr² में से πr² निकालो 3πr, के ए है ना डेल्टा थीटा अपॉन एल, और ऐसे ही बेटा हो जाएगा K1 एरिया के नाम पर πr² डेल्टा थीटा अपॉन एल, सब बातें बराबर करोगे और जैसे घटा पिटी करोगे तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर लाइक डेल्टा थीटा बाई एल, डेल्टा थीटा बाई एल, डेल्टा थीटा बाई एल खत्म हो जाएगा, πr² खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, तो बनेगा बेटा के इक्विवेलेंट बराबर 3K1 और 3K2 प्लस K1 बाई 4, ये ऑप्शन नंबर 1।
पहला सवाल। ठीक है बेटा, 11th का ऑप्शन नंबर सही आ रहा। अच्छा, पेन कलर चेंज कर दे, ये डल आ रहा क्या बेटा, ये डल आ रहा क्या? पेन कलर चेंज कर देंगे, चलो अच्छा चेंज करते हैं बेटा, लेकिन ब्लू में ब्लू तो और नहीं दिखाएगा, ग्रीन दिख सकता है, चलो ग्रीन इस्तेमाल करेंगे। ऑल राइट बच्चों, अच्छा सवाल है ये भी आपका। अगला सवाल आपका, सवाल संख्या 12, करें स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी 27 और 327 पर दिया गया है, एरिया अंडर कर्व निकालना है बच्चों। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बना है, तो इसमें एरिया जो होगा ए वन अपॉन ए टू, एरिया ए वन अपॉन ए टू विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी वन अपॉन टी टू की होल पावर 4, आई थिंक राइट। सो एरिया का रेशियो बेटा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वन, टेम्परेचर ऑफ टू में ये 327 है, आपको 273 ऐड करना पड़ेगा ताकि मामला केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो 327 प्लस 273 ये बन जाएगा 600, अब 327 प्लस 273 भाई सुनो, सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो 273 ऐड करोगे इसमें, तो जैसे 273 ऐड करोगे आंसर आपका 600, नीचे कर्व वन में 273 ऐड करोगे तो आंसर आपका 300, और इस पूरे होल डब्बे की पावर 4, 0 से 0 एलिमिनेट करो, 3 1 के 3, 3 2 6, 2 की पावर 4, 4 4 को 16, 2 2 4 2 8 2 16, सो आई थिंक रेशियो जो आपका आना चाहिए दैट मस्ट बी फोर्थ पार्ट, 16:1। बेटा व्हाइट नहीं है इसमें बच्चे, सो सॉरी व्हाइट नहीं है बेटा। ठीक है भाई 13 आ जा बेटा, 13 नंबर, अच्छा सवाल, इसे अच्छा रेडी इस्तेमाल कर ले भाई। ब्लैक सॉरी ब्लॉक ब्लॉक लिख गया गलती से, ब्लैक बॉडी एट 12:27 इमिट रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी 5000, वो टेम्परेचर, हाँ फिर कह रहे थे टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 1000, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब देखी जाएगी? लॉजिकली समझो 12:27 का मतलब हो गया, इसमें अगर 273 ऐड करो तो मैं कह रहा टेम्परेचर केल्विन में लेना, तो ये बन जाएगा 1500। अब आपको याद होगा वीन्स कांस्टेंट वाला नियम या वीन्स का लॉ याद होगा, वीन्स आपका लॉ कहता है कि किसी बॉडी की इमिटेड मैक्सिमम वेवलेंथ और बॉडी के करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो लॉजिकली सोचो, पहले टेम्परेचर में 273 ऐड करो बन जाएगा 1500, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू 5000 बराबर, दूसरी बॉडी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हो जाएगा 2227, 200 ये ऐड करोगे तो लैम्डा, दूसरा टेम्परेचर 2500, इसका करस्पॉन्डिंग लैम्डा पता करना है, डिवीजन करोगे तो 25 1 के 25, 25 2 50, 2 × 1500 3000। ऑप्शन संख्या 4, 13वें का चौथा पार्ट, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी कैन करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, किसी ब्लैक बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लैंक साहब के नियम द्वारा आराम से दर्शाया जा सकता है। बेटा ये इन जनरल एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन नहीं है, है ना, आप ऐसे याद रखो, जब भी कभी इमिटर ऑब्जर्वर की बात आए किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करोगे, किसी बॉडी की रेडिएटेड हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिपेंडेंसी उस स्टीफन का लॉ इस्तेमाल करोगे, वेवलेंथ इमिशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के लिए बीन्स इस्तेमाल करोगे, और बॉडी के स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो आप प्लैंक लॉ का इस्तेमाल करोगे। 15 नंबर सवाल, दो डिफरेंट कर्व दिए गए हैं, आपको गैस करना है इनमें से किसका मॉलिकुलर वेट हाई, टू डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेस रिलेशनशिप आर गिवन विद प्रेशर पी वॉल्यूम वी, यू हैव टू फाइंड आउट मासेस m1 m2 का करेक्ट रेशियो। तो बच्चों किसी एक करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में चले जाओ, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में चले जाओ, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू वी नॉट फिक्स कर ले बेटा। तो यहाँ देखो ये जो m1 वाला कर्व है इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर p1 है, और इसी वॉल्यूम पर यहाँ जो कर्व है उस पर प्रेशर p2 है। आपको पता होगा pv बराबर nRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पी इज इक्वल टू पी प्रेशर, वी वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू आर मल्टीप्लाई बाई टी। हम बात करें अगर पी वी इज इक्वल टू म्यू मोल्स की जगह मास अपॉन मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। अब सेम आइडियल गैस है, करेक्टर पकड़ना, सेम आइडियल गैस का मतलब मॉलिकुलर मास का काम खत्म, आर का काम खत्म, आइसोथर्मल का काम खत्म,
वॉल्यूम एक ही सेलेक्ट किया है, काम खत्म। तो कहीं ना कहीं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका मास नंबर ज्यादा। तो प्रेशर एट द सेम वॉल्यूम आइसोथर्मल कंडीशन पर, पी टू प्रेशर ज्यादा है तो मास एम टू ज्यादा होगा, सो एम टू ग्रेटर देन एम वन, थर्ड ऑप्शन, एम टू ग्रेटर देन एम वन। ऑलराइट, 15th पार्ट की तरफ चलते हैं, 15 के बाद 16 की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज डिक्रीज, किसी सिस्टम का टेम्परेचर कब घटेगा? आराम समझिए, अगर हम तो याद करा देंगे कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो तो हीट का फ्लो जीरो, तो सिस्टम जो भी वर्क डन करेगा वो इंटरनल एनर्जी की लॉस की कॉस्ट पर करेगा। इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा, करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर का भी लॉस होगा। सो एडियाबेटिक एक्सपेंशन बेटा, इसमें गैस अपने पॉकेट मनी को खर्च करके काम करती है। 17वां, रियल गैस, जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस को ओबे कर सकती हैं, आइडियल गैस लॉ ओबे कर सकती हैं, गैस लॉ ओबे कर सकती हैं जब उनके बीच आइडियल गैस जैसी कंडीशन, जैसे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन खत्म हो जाए, ऐसा आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ऑप्टेन कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या 4 इज करेक्ट, 17 का। क्लियर? ठीक है बेटा, अच्छा देवव्रत, ठीक है मैं कोशिश करता हूं बेटा। हाँ कल्पना, क्या हुआ, कौन सा डाउट है बेटा? चैट बॉक्स पे मेंशन कर दिया, डाउट मेंशन क्या करो, बाकी एनसीईआरटी के बेटा हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन सीरीज अगर चल पाएगी, बिल्कुल जो आप चाहते हैं बिल्कुल एफर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 17, 18 नंबर, 18, इंटरनेट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस। बेटा तो रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता, नन ऑफ दीज। 18, 18 का फोर्थ पार्ट। हाँ अगर यहां आइडियल गैस लिखी होती तो उसका कनेक्शन केवल और केवल टेम्परेचर से होता। 19 के बाद, 19 नंबर, कार्नोट इंजन में टेम्परेचर दिया है बेटा। सवाल नंबर 19, आप इसके लिए मात्र एक फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। इसकी शक्ल देखते हैं, समझ गए? कार्नोट इंजन में सिंक का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों नीचे होता सिंक टेम्परेचर, तो 17 डिग्री में 273 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 290 केल्विन। ऑल राइट, T2 का पता नहीं, एफिशिएंसी 50%, 50% को आप हाफ लिख सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, या परसेंटेज एफिशिएंसी। आप याद रखें ईटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बराबर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो 50% / 100 हो जाएगा 1/2 बराबर 1 - T2/T1 की जगह 290। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब कह रहा कि हाउ मच शुड सोर्स टेम्परेचर इंक्रीज, तो इनकी एफिशिएंसी अब 60% पहुंचानी, तो 60/100 कर लो, इसको काटो, इज इक्वल टू 1 - T2 को कुछ बढ़ा दो, डेल्टा टी बढ़ा दो, डेल्टा थीटा बढ़ा दो, और टेम्परेचर इसका वही रखो 290। दो इक्वेशन है, अगर दोनों को मिलाकर के सॉल्व किया जाए तो ये सब नोन है, सब नोन है, सब नोन है, और यहां से T2/90 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इसे सेपरेट सेपरेट करोगे तो इसे ऐसे लिख सकते हो, इनको आदत डालो बेटा, जो T2 + θ/290 है इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे तोड़ के लिखो, ये बन जाएगा बेटा 2T2/290 और प्लस चेंज इन θ/290, हालांकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, इस पूरे की जगह आप हाफ रख दो, तो 6/10 बराबर 1/2 माइनस Δ θ/290। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे बेटा तो क्वेश्चन नंबर 19th में जो आपका ऑप्शन निकल करके आएगा वो आएगा 725 केल्विन बेटा, आएगा आंसर केल्विन में, और आंसर भी आपसे केल्विन पूछ रहा है बेटा। अच्छा 12 नंबर बेटा, अभी चलो लेक्चर के लास्ट में देख लेते हैं, इतनी बार ठीक है ना? ये 145 आ रहा क्यों भाई? अच्छा चेक कर लो भाई 19th वाले का। अच्छा किसका पूछ रहा है, हाउ मच? नहीं बेटा सोर्स टेम्परेचर नहीं पूछ रहा, बाई हाउ मच सोर्स टेम्परेचर भी इंक्रीज, कितना बढ़ा दिया जाए बेटा, कितना बढ़ा दिया जाए। तो अच्छा यहां से T2, ठीक आप सही कह रहे हैं, यहां से T2 आएगा 725, ठीक, यहां से T2 आएगा 725, और उसमें से जो उसका पहले टेम्परेचर था कितना था भाई, इसके करस्पॉन्डिंग पहला टेम्परेचर शायद 580 आएगा, तो T2 725 आया है
ना, नया टेम्परेचर ऐड करने के बाद नया टेम्परेचर 725, उसमें प्रीवियस टेम्परेचर 580 निकाल दो बेटा, ठीक है, 145 के की वृद्धि करनी पड़ेगी। इज आस्किंग कितना बढ़ा दिया जाए, हाउ मच शुड दिस मस्ट बी इंक्रीज, कितना हुआ, ठीक है बेटा, सही है। फोर्थ फोर्थ पार्ट, 20th की तरफ चलते हैं, साइकिल दिखाई गई और एक साइकिल को देख करके आपको इसे इंटर कन्वर्ट करना है दूसरी साइकिल में। हम इसका कोई एक पार्ट पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो सिंपल सी बात करें, हम ए से बी वाला पोर्शन पकड़ लेते हैं और पीटी का ग्राफ है, ग्राफ में दो ही बातें काम की, स्लोप और एरिया। स्लोप हो जाएगा पी वर्सेस टी, वाई एक्सेस क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सेस क्वांटिटी, स्लोप देखो हर जगह कॉन्स्टेंट है, तो पी वर्सेस टी का स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं, पी बाई टी कॉन्स्टेंट। अब लॉजिकली समझो, पी वी बराबर एन आर टी को अगर ऐसे ही ब्रेक किया जाए, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो पी बाई टी को अगर लिखोगे तो लिख सकते हो पी बाई टी विच इज इक्वल टू म्यू आर बाई वी इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये भी नंबर कॉन्स्टेंट है, अब ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो ए से बी तक वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखना है कोई प्रोसेस जिसमें ए से बी तक वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो। देखो ए से बी में वॉल्यूम बढ़ा है, गलत, ए से बी में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, संभावना है इसकी, ए से बी में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, संभावना है, ए से बी में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, संभावना है। अब सुनो, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, आइडियोलॉजी देखो अगर, तो टेम्परेचर बढ़े और प्रेशर बढ़े, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है भाई। चलो एक और प्रोसेस चेक करनी पड़ेगी इसका मतलब। अच्छा ये बताओ बी से सी वाली प्रोसेस में क्या है, आपने कहा सर इस प्रोसेस में टेम्परेचर ना बढ़ा ना घटा, आइसोथर्मल टाइप की प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो उसी का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बी से सी में वॉल्यूम बढ़ाना है, तो बी से सी में यहाँ तो वॉल्यूम घट रहा है, गलत, बी से सी में यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, सही, यही सही हो सकता है। और फोर्थ पार्ट में फिर से बी से सी में, बी से सी में इसमें वॉल्यूम घट रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। सो आई थिंक थर्ड पार्ट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा, तीसरा सही जाएगा, क्लियर है क्या। 21 नंबर देखिए बेटा, बच्चों कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, 20th नंबर की बात, 21st, कह रहा इफ द गिवन मासेस ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज, गिवन गैस एक्सपेंड कर रही है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो एक्सपेंड करेगी बेटा तो इसका मतलब, अच्छा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट तो प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल बॉयज लॉ लागू होगा, और बॉयज लॉ कहलाता है बेटा कि अगर पी वी बराबर म्यू आर टी लिखा जाए तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वॉल्यूम बढ़ घट सकता है, प्रेशर घट बढ़ सकता है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन पी वी का जो प्रोडक्ट है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। पहला ग्राफ सही बेटा, 21st का पहला, 22nd, बाकी पे नजर भी मत डालो, बॉयल्स लॉ बड़ा प्रचलित ग्राफ है। 22 नंबर, 22 नंबर, अगला सवाल देखिए, 22 नंबर कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सत्य है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बेटा जो सबसे बेसिक बात आपको याद कराई जाती है वो होती है पीवी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। अब इसमें जो इन्वॉल्व करना, मान लो इसमें टी और पी इन्वॉल्व करना है, मतलब पी को हटाना है, सॉरी पी बचाना है, वी हटाना है, तो वी को कैसे लाओगे, तो आपने कहा सर इसमें आइडियल गैस सोच लेंगे, पीवी बराबर म्यू आर टी के हिसाब से अगर वॉल्यूम हटाना है तो वॉल्यूम की जगह आप चाहो तो म्यू आर टी अपॉन पी लिख सकते हो, म्यू आर टी अपॉन पी लिख सकते हो, तो पी इधर लिखिए म्यू आर टी की पावर गामा अपॉन वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बेटा पी म्यू कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट टी की पावर गामा, अरे भाई क्या कर दिया हमने, पर्पस था म्यू आर टी बाई पी की पावर गामा, तो टी की पावर तो गामा रहेगी रहेगी, पी की पावर वन और गामा ऊपर जाएगा, वन माइनस गामा बराबर कॉन्स्टेंट है कोई, टी की पावर गामा और पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा सही है, सही है, ये सही है, टी की पावर गामा, और आप चाहो तो इसको यहां से हटाओ नीचे लिए जाओ तो टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस वन बन जाएगा, एक ही बात है भाई, डब्बे को नीचे ले जाओगे तो पावर माइनस साइन चेंज हो जाएगा। 22वां का सेकंड पार्ट, 23वां आ जाओ बेटा, ठीक है भाई, इट्स नॉट क्लास बेटा, यूपीएससी एग्जाम वरी बेटा ये क्लास नहीं है, ये टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है,
जो स्कोर बूस्टर रिवीजन टेस्ट सीरीज होती है उसका डिस्कशन बेटा चले। एनसीईआरटी वो पेज नंबर है बेटा एनसीईआरटी का, NCERT 312 का मतलब एनसीईआरटी का पेज नंबर है बेटा। एक चीज और हो सकती है कि एनसीईआरटी, मैं आपसे कह दूं एनसीईआरटी अगर इन केस बुक से मैच नहीं कर रही है तो नेट में जो पीडीएफ पड़ी होती है एनसीईआरटी का, आप उससे मैच करिएगा, श्योर मैच करेगी। हाँ बेटा चले आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। 23 नंबर सवाल देखो बच्चों, 23 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि कोई आइडियल गैस है वो किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रोसेस नहीं पता कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक, कुछ नहीं पता, उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है पी बराबर के वी, इसको सही से लिखो जैसे, तो पी अपॉन वी बराबर के, और तमीज से लिखो पी वी की पावर -1 बराबर के, अदर डाल लो बेटा पी वी की पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक मतलब दिस में लीड मैनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, जो नाम जानते हैं जो नहीं जानते। और इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो सी प्रोसेस होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, दैट इज सी वी प्लस आर अपॉन एन -1, खत्म। तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो भी देखो इससे मिलते जुलती, पॉलीट्रॉपिक गैस का मतलब चूंकि किसी से मैच नहीं कर रहे भाई, पीवी की पावर गामा होता एडियाबेटिक हो जाती, पी की वी की पावर जीरो होता मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट होता आइसोबैरिक हो जाती, सीपी लिख देते। तो यहाँ सी बराबर, सी बराबर सी वी की जगह बेटा सी वी अब प्लस आर अपॉन एन -1, एन की जगह ध्यान से देखो -1 है, एन की जगह -1 है, गलत तो नहीं कर रहे बेटा, एन -1 वन माइनस है, वन माइनस एन होगा बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी यार, वन माइनस एन होगा। ऑल राइट, तो जैसे यहां प्लेस करोगे वन माइनस एन तो वन माइनस माइनस ऑफ एन हो जाएगा प्लस ऑफ वन, ये एन है पूरा नंबर, तो एन की जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो सी वी सी प्रोसेस बराबर इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो किसी नेम प्रोसेस से मैच नहीं कर रही। ऑलराइट, वो सी है, वो सी बराबर सी वी अपॉन आर बाई टू, सी बराबर सी वी प्लस आर बाई टू, ऑप्शन संख्या सेकंड के साथ जाएंगे। 24वां देखिए, फिर कह रहा है इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोडक्ट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम डिफरेंस का जो चेंज है वो वर्क डन कहलाता है, और वर्क डन ही इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि एडियाबेटिक में अगर थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ लगाओगे यानी कि क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो क्यू तो जीरो होता है क्योंकि प्रोसेस का नाम एडियाबेटिक बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, दिस मीन्स डब्ल्यू डेल्टा यू एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ये वर्क डन बनेगा, वर्क डन ही इंटरनल एनर्जी का ट्रेंड डिसाइड करेगी। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन है मतलब काम हुआ है, और काम हुआ है तो इसका मतलब काम हुआ इसका मतलब वर्क इज डन, और वर्क इज डन तो पी डेल्टा वी जो होगा वो डेल्टा यू के डेप्रिशिएशन को बता रहा बेटा, ठीक है ना, और वर्क डन का जो रेट है वो भी घटता जाएगा, सो डिक्रीजेस। क्लियर है बेटा, देखो परिवर्तन तो होगा, इंक्रीज डिक्रीज तो है, अब पी डेल्टा वी जो वर्क डन है बेटा, तो वर्क डन का रेट इंटरनल एनर्जी के कम होते होते धीरे धीरे करके घटता जाएगा, या इंटरनल एनर्जी स्वयं घटती जाएगी, तो 24वें के सेकंड पार्ट के साथ जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा सही है, 25 नंबर सवाल पे आ जाओ, 25 रिस्पॉन्ड करो बेटा। अगर सीपी एंड सीवी डिनोट्स स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन एंड अच्छा अच्छा नाइट्रोजन की स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो बेटा सीपी माइनस सीवी बराबर आर, लेकिन आर मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट को अगर मास नंबर से डिवाइड कर दो तो ये पर यूनिट मास बन जाएगी भाई, ये 28 ग्राम के लिए थी यानी एक मोल के लिए थी, आपने 28 से डिवाइड कर दिया 1 ग्राम मोल के लिए आ गई, क्लियर ना, सी पी माइनस सी बराबर आर बाई 28। 25वें का सेकंड पार्ट, 26 आ जा बेटा, 26 सवाल कह रहा साइक्लिक प्रोसेस है पीवी डायग्राम मैग्नीट्यूड, पीवी का डायग्राम नहीं दिया बेटा, पीवी का डायग्राम नहीं दिया गया है ना, तो ये आपका मान लीजिए वॉल्यूम एक्सेस है और ये आपका मान लीजिए प्रेशर एक्सेस है बेटा। ऑल राइट, तो पहले पीवी डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ क्या दिया है डायग्राम, साइक्लिक फॉर्म में होगा, ये एंड आपके वॉल्यूम नंबर वन को एक्सपेंड करेगा और ये एंड आपके वॉल्यूम नंबर टू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, करस्पॉन्डिंग प्रेशर में ये प्रेशर पी वन होगा और ये वाला प्रेशर बेटा आपका पी टू होगा। ऑल राइट, अब ये जो ग्राफ है
इस ग्राफ, ये एक्चुअली आपका अगर डायमीटर्स बराबर होती बेटा तो डायमीटर्स बराबर है, डायमीटर्स बराबर है तो पाई आर स्क्वायर लगा देते, लेकिन डायमीटर बराबर नहीं है, एक वॉल्यूम एक्सेस है एक प्रेशर एक्सेस है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यह है कितना वी टू वी वन के डिफरेंस का आधा, इट इज वी टू माइनस वी वन का आधा, ये कितना है बेटा पी टू पी वन के डिफरेंस का आधा, पी टू माइनस पी वन के डिफरेंस का आधा, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इलिप्स की कैटेगरी से निकलेगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह आर वन आर टू, इसे लोग पाई ए भी लिख सकते हैं, पहली रेडियस की जगह ये रखो, दूसरी की जगह ये रखो, प्रोडक्ट करोगे बेटा तो आई थिंक पाई और दोनों के प्रोडक्ट के साथ आएगा, ये देखो भाई पाई पाई तो पाई रहेगा, बाई टू मिलके बाई फोर बन जाएगा, एक बार पी टू माइनस पी वन इधर के हिसाब से और एक बार वी टू माइनस वी वन इधर के हिसाब से आ जाएगा। ऑल राइट, 26वें का इस तरीके से तीसरा पार्ट। 27वां सवाल, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट जो इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 27वें का तीसरा, 28वां सवाल, 28वां सवाल देखिए जरा, 28वां भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पर बेटा सेम तरीका, वन माइनस टी टू बाई टी वन, कहला पहले एफिशिएंसी 40% थी, हाँ रिसीव्स हीट, हाँ अ कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी दिस रिसीव्स हीट एट 500, एफिशिएंसी को अगर 50 बढ़ा दिया जाए सोर्स टेम्परेचर फॉर सेम, तो बच्चों जब 40% एफिशिएंसी थी तो 1 माइनस सोर्स टेम्परेचर अपॉन सिंक उसे 500 केल्विन पर रिसीव कर रहा है, इक्वेशन संख्या 1, एफिशिएंसी बढ़ा के 500 कर दी गई, 1 माइनस अब यहां से कैलकुलेशन करोगे, यहां से कैलकुलेशन करोगे तो हाँ एफिशिएंसी देखो 40% है, मतलब 40 बाई 100, 40 बाई 100 का मतलब बेटा 2 बाई 5, 20 दूनी 20 पंचे, इसको अगर ट्रांसफर कर दो तो टी सोर्स अपॉन 500 बराबर 1 माइनस 2 बाई 5, दैट मीन्स 3 बाई 5, 5 से काटोगे 100 आएगा, सोर्स का टेम्परेचर 300 आ जाएगा, सो यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि सोर्स का टेम्परेचर 300 है बेटा, 300 इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ऑल राइट, अब कह रहा सेम एक्सपेंशन के लिए 50% एफिशिएंसी कर दियो, हम फिर सेम फार्मूला लगाएंगे, फिर सेम फार्मूला, तो याद है कि एफिशिएंसी 50% बराबर 1 माइनस टी सोर्स कितना रखना है, ऑल राइट टी सोर्स कितना रखना है, सोर्स टेम्परेचर पूछ रहा हमसे टी सोर्स कितना रखना है, ये क्वेश्चन मार्क है, सोर्स टेम्परेचर सेम एग्जास्ट एफिशिएंसी 50 बाई 100 बराबर 1 माइनस टी टू का मतलब बेटा नहीं लो कुछ पाल जी क्लास नहीं हो रही बेटा, ये पेपर डिस्कशन चल रहा है, सो 50 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू बाई टी, टी टू बाई टी, टू बाई टी, टू टू बाई टी, तो टी टू तो बेटा आपके ऊपर किसका टेम्परेचर है, सिंक टेम्परेचर, सिंक 500 रखो अपॉन सोर्स, टी सोर्स पता करना, या तो बेटा इसमें फिर जरूरत ही नहीं थी हमको 300 की, चलो 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 रखो भाई कटाबेटी करो, कितना आ जाएगा बेटा 28वें में, कुछ गलती हो रही क्या बेटा, पांच सौ किसका टेम्परेचर है, ही रिसीव हीट एट दिस, फिर हम इसको फिर से करते हैं यार कोई बात नहीं, एक कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 40% है, तो इफिशियंसी फैक्टर की जगह बेटा 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस रिसीव हीट एट 500 केल्विन, ठीक है, तो टी ऊपर जो लिखेंगे वो सिंक का लिखेंगे, टी सिंक का पता नहीं, और सोर्स 500 रखते हैं, क्यों भाई, तो यहां से बेटा T1 500 आ जाएगा केल्विन, सॉरी 300 आ जाएगा, 300 300 300, हाँ यार बच्चों सिंक है सिंक है सिंक है सिंक, अब इफिशिएंसी 500 करनी, 50% करनी, 50 बाई 100 बराबर 1 माइनस ऊपर टी सिंक रहेगा 300, सोर्स का पता नहीं, ठीक है बेटा अब पता चल जाएगा,
लेफ्ट राइट करो, कैलकुलेशन करो। तो बेटा ध्यान से देखो, इस 300 बाई T2 का इधर ले आओ, बराबर 50 एक के 50, 50 दूनी 100, 1 माइनस आधा मीन्स आधा, तो T2 बराबर 600 इन टर्म्स ऑफ केल्विन, 29, 29। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए बी सी डी, हीट रिजेक्टेड। बच्चों बहुत सिंपल सी बात समझो, ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी डायग्राम देखिए कितना सुंदर बना, कितना स्पष्ट डायग्राम है, 3D है। तो बच्चों इस पूरी साइकिल में जो हीट आइसो, भाई सिंपल बात समझो, हम तो लगाएंगे क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो हीट का जो इंटरनल हीट का चेंज जीरो हो जाएगा, तो जो भी वर्क डन होगा वही हीट के लेन देन के बराबर होगा, हीट इनटेक हीट रिजेक्टेड। अब चूंकि बच्चों एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, तो हीट का जो अमाउंट आएगा वो नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो हीट रिजेक्ट हुई सिस्टम से। वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ग्राफ के बराबर, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ बन जाएगी बेटा वी और 3V के बीच का डिफरेंस 2V, और पी टू पी के बीच का डिफरेंस पी। सो पी मल्टीप्लाई बाई 2V इज पी मल्टीप्लाई बाई 2V, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2PV। ऑप्शन संख्या थर्ड, थर्ड नंबर, 30 नंबर सवाल। एक कार्नोट इंजन ऑपरेट कर रहा है T1 T2 के बीच में, बच्चों उसको बहुत समय ना देते हुए फटाफट केवल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तीसरा सेम कैटेगरी का सवाल है, तो इफिशियंसी बराबर 1 माइनस T सिंक अपॉन T सोर्स, ऑल राइट ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब लॉजिकली समझो, इफिशियंसी इसकी 1/6 थी जब T1 T2 था, 1 माइनस T कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन T1 एंड T2 हैज इफिशियंसी, ठीक है। व्हेन T2 इज लोअर्ड बाय, अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़, सबको टेम्परेचर स्पष्ट करना चाहिए। व्हेन T2 इज लोअर्ड बाय दिस, इफिशियंसी इज इंक्रीज टू दिस। अब देखो जिसको किसी को लोअर करने से इफिशियंसी बढ़ रही, तो इसका मतलब आप सिंक के टेम्परेचर को लोअर कर रहे हो, और ठंडा करोगे रेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और बढ़ेगा। तो T2 को अगर हम लोअर कर दें, मतलब ऊपर वाले टेम्परेचर T2 को, ये T2 बाई T1 का एक्सप्रेशन है 1/6, कह रहा अगर इसी इफिशियंसी 1/3 हो जाएगी, अगर ऊपर वाले टेम्परेचर को 62 केल्विन घटा दिया जाए। अब 62 केल्विन का डिफरेंशिएशन बिल्कुल ऐसे रखना अपॉन T1। बच्चों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इसे सॉल्व करना ऐसे सीखो, ये बन जाएगा 1/3। देखिए तरीका समझिए, 1/3 बराबर 1 माइनस, इस डब्बे को अलग कर लो, T2 बाई T1 अलग, और माइनस के साथ देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +62 बाई T1 अलग कर लो। ये पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ऊपर से कॉपी कर सकते हो, 1/6, 1/3 में 1/6 निकलेगा, 1/6 बचेगा। सो 1/6 बराबर 62 बाई T1, तो T1 बराबर 62 इंटू 6, 6×6=36, 372 के आसपास आएगा। सो 372, 372 की वैल्यू ऊपर अगर रखी जाएगी तो आपका ऑप्शन लगभग लगभग मेरे हिसाब से बेटा 310 आ जाएगा। सो 372 और 310 जो कि आपके पहले ऑप्शन में अवेलेबल है, ये सोर्स और ये आपका सिंक। ध्यान दीजिए, जिसके लोअर करने से इफिशियंसी बढ़ेगी तो लोअर सिंक का टेम्परेचर किया जाएगा, ताकि रिडक्शनल नंबर छोटा हो जाए, वैल्यू बड़ी हो जाए, ऑलराइट। 31 नंबर, एक आइडियल गैस है, उसको जो हीट सप्लाई की गई वो 300 300 हीट दी गई उसके 2 मोल्स को, और कब दी गई ध्यान से देखो, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर दी गई। तो जैसे हीट सप्लाई के लिए आप क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी इस्तेमाल करते हो बेटा, नीट मॉडल के लिए बेटा एक बार कर दो, हाँ ऐसी कोई मिस्टेक अगर आती है तो 9151550550 पे आप एक बार संपर्क कर लिया कीजिए। किसी बच्चे को अगर किसी कारणवश कोई टेक्निकल डिफॉल्ट आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो 9151550550 पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब बच्चों, जो कांस्टेंट प्रेशर है उस पर दी गई हीट का फॉर्मूला क्यू बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। सो हीट का लेन देन मतलब क्यू, और क्यू जो हीट का लेन देन है वो कितना क्या 300 जूल नहीं चलेगा, जूल को हम डिवाइड करेंगे 4.2 से ताकि एक कैलोरी में कन्वर्ट हो जाए, बराबर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 2, ऐसा हमने कह रहे क्वेश्चन कह रहा। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट उसकी 5/2 R दी गई है, 5 R की वैल्यू 2 होती है, बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, 2 से 2 खत्म, 5 × 10 नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप पर कर लेते हैं, बन जाएगा 300 अपॉन 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10,
बराबर टी, 0 से 0 खत्म, 4 को 30 को 4/2 से डिवाइड करोगे, 7.5 के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि नीचे नंबर बड़ा, 7.5 से कम आंसर आएगा, पहला ऑप्शन। 32 नंबर सवाल, किसी आइडियल गैस को देखिए और बताइए उसकी कब कब एनर्जी के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एन आइडियल आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ए से बी से सी से डी एज शोन इन द फिगर। अगर यू ए बी सी डी सब उसकी इंटरनल एनर्जी बताती है ए बी सी डी स्टेट्स पर, ए बी सी डी स्टेट पर, तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। अब मेरी बात समझो, जो डी पर होगी वही ए पर होगी चूंकि इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, जो बी पर होगी वही सी पर होगी चूंकि इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो जो ए पर इंटरनल हीट वही डी पर आइसोथर्मल, ए और डी सही है। जो बी पर वही सी पर एट 2T टेम्परेचर, ये भी सही है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इन दोनों की हीट बड़ी होगी एज कम्पेयर टू जस्ट प्रीवियस वाले। तो बी की हीट ए से बड़ी, ऐसा कहीं कहा गया क्या? बी की हीट ए से छोटी है, गलत है। सी की हीट डी से बड़ी है चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है सी पे, ये भी सही। तो रॉन्ग स्टेटमेंट नॉट ट्रू ढूंढना था, ये ऑप्शन हमारे लिए सही है, बाकी सब ऑप्शन एज पर थ्योरेटिकल पार्ट सही। 33 नंबर, आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? हीट के लेन देन में दो बातें होती है, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आइसोकोरिक पी डेल्टा वी जीरो, वर्क डन जीरो, तो जो भी हीट दोगे वो सबकी सब इंटरनल एनर्जी में जाएगी, सो आपका जो क्यू सप्लाई है वो डेल्टा यू में जाएगा। 33वें का सेकेंड पार्ट। 34 नंबर, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में कंप्रेशन ऑफ 10 मोल्स ऑफ अ गैस 50 जूल वर्क इज डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लॉजिकली समझो बेटा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या हुआ नहीं पता, 50 जूल का काम किया गया। अच्छा, प्रोसेस का नाम बेटा एडियाबैटिक है, प्रोसेस का नाम अगर एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के आधार पर अगर आप चलोगे, तो चूंकि हीट का लेन देन जीरो है, बराबर डब्ल्यू का मतलब 50 जूल और प्लस डेल्टा यू, ऑलराइट, ट्रांसफर। सॉरी बच्चों, ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चों एडियाबैटिक का मतलब क्यू का मामला जीरो, डब्ल्यू वर्क डन 50 से बताया गया, डेल्टा यू ट्रांसफर मार दो, डेल्टा यू बराबर माइनस का 50 आ जाएगा। अब इसमें विद साइन आंसर नहीं दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में भी गैस अगर काम कर रही है, इसका मतलब अपनी पॉकेट मनी से काम कर रही है, तो इंटरनल एनर्जी में लॉस हो जाएगा 50 का। लोकी जो की एडवर्ड कैनवे, नहीं बेटा एडवर्ड, इफ मिस्टर एडवर्ड कैनवे उर्फ लोकी जो की आई हैव नेवर ब्लॉक्ड एनी बडी विदाउट एनी पर्पस, मे बी यू हैव कमिटेड एनी सिली मिस्टेक ऑन माई चैट बॉक्स और द क्लासेज आर द क्लास वर वुड हैव बीन इन फुल फ्लो एंड यू मेड अ कमेंट विच कुड एग्जैगरेट माई क्लास रूटीन, सो दैट इज वाई, दैट्स वाई मे बी आई वुड हैव यू टाइप रशियन, दैट्स गुड, बट डियर इट्स अ एजुकेशनल चैनल एंड बिकॉज ऑफ योर अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट डिस्टर्ब एंड दे कैन डिस्टर्ब, that's why maybe I'm sorry for that, I'm regretted for that because I blocked you, but not purposely I blocked you. God bless you, keep smiling. So आगे आ जाइए बच्चों, 34 नंबर आ जाइए, 50 जूल का वर्क डन करना पड़ा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा। तो भैया सुनो, एडियाबैटिक क्यू जीरो, 50 जूल का वर्क और डेल्टा यू का मामला पता नहीं, ट्रांसफर ट्रांसफर मारो 50 आ जाएगा, ठीक है भैया। 35 नंबर, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, आपको पता होगा एडियाबैटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है पॉइसन इक्वेशन के हिसाब से बेटा, वो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और आइसोथर्मल बेटा पी वी बराबर कांस्टेंट होता है। अगर आप इस कर्व को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे
सो डीपी बाई डीवी मीन्स स्लोप इन केस ऑफ एडियाबैटिक होता है गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाई डीवी मीन स्लोप इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल का गामा गुना होता है। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोथर्मल कर्व। फर्स्ट पार्ट। चले आओ बच्चों, ऑल राइट। 53, 54 ये भी होता है, आप ना चाहते हुए कभी कभी किसी के इमोशन हर्ट कर देते हैं फिर वो, इसलिए कभी भी लाइफ में कुछ ऐसा मत कीजिए। लोकी जोकी को कितना बुरा लगा, वो अदर अकाउंट्स ही हैज मेंशनड इन द चैट बॉक्स दैट ही हैज केम अगेन इन चैट बॉक्स विद अनदर अकाउंट। सो लाइट, ये बच्चों है यही लाइफ है शायद। किसी के लिए कुछ भी ऐसा मत बोलो कि उसे तकलीफ हो। अच्छा बताए चैट बॉक्स से बच्चों, एक बात और है, चैट बॉक्स पे आप ये भी मान लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती भी हैं, जैसे एक अभी आप शाम में अगर जो बच्चे रेगुलर वाले हैं वो जानते होंगे, चुरियल करके एक बच्चा आता है, चुरियल गौसियन, जाने क्या नाम उसका, तुम तो नाम भी ले बताओ। उसका कहना है होता है सर मेरा नाम दीजिए। अब सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारा कोई सामान्य नाम हो तो नाम ले भी ले। चलो आ जाओ बच्चों, मोनोटॉमिक, यार सवाल देखो बहुत शानदार है। अगला सवाल कह रहा मोनोटॉमिक गैस का मिक्सचर है और एक डायटॉमिक गैस का मिक्सचर। बेटा इसके लिए बहुत छोटा सामान्य सा फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो ऐसे एजरेटर याद रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स टोटल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट अपॉन गामा माइनस वन अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ सेकेंड अपॉन गामा टू माइनस वन। आराम से देख लो बेटा, मतलब वन वन मोल की बात हो रही बेटा, वन वन मोल है तो यहां तो वन प्लस वन हो जाएगा टू अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन, है ना। ये बच्चों इससे निकाला गया है, आप कह सकते हो प्रोसेस के नेम के आधार पर निकाल सकते हो आप इसे। और म्यू वन मोल वन अपॉन गामा माइनस वन, तो पहले वाले के केस में 5/3 माइनस वन मतलब 2/3 बन जाएगा, प्लस दूसरे वाले केस में वन मोल है अपॉन 7/5 में से अगर वन निकाल दोगे, सो 7/5 माइनस वन इज इक्वल टू 2/5। सॉल्व आप कर लो इतने आंसर इसको, तो गामा की जो मिक्सचर में वैल्यू है वो निकल के आएगी। जरा कीजिए कितना रहा, कीजिए हाँ भाई मिला मिला किसी का, मन कैलकुलेशन किया बेटा 35 का ए आ रहा भाई, इसे इसे 36 बताओ भाई। अनिमेश भाई आंसर बताओ, अंबिका बेटा, रवि प्रकाश बेटा, चलो बोलो 36 बेटा, होपफुली 1.5 समथिंग आएगा, 1.5 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट आंसर आ रहा क्या देख लो बस, इतना चेक कर लो, डी पार्ट। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तरीका याद रखना बेटा अच्छा है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट, जो डिफरेंट मिले पेपर उसे सीखते चलो, बाकी मोस्ट ऑफ द बातें बेटा आप सभी जानते हो चूंकि ये रिविजन टेस्ट सीरीज है। आइडेंटिफाई द ग्राफ विच करेक्टली रिप्रेजेंट आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ना, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो एक प्रॉपर्टी बढ़ाओगे दूसरी बढ़ेगी, यार ये क्या हो गया। अब देखो एक बात समझो, टी टू बड़ा रखना है, टी टू ग्रेटर देन टी वन रखना है बेटा, तो टी टू बड़ा टेम्परेचर बड़ा, तो जो पी वी है इज इक्वल टू म्यू आर टी के हिसाब से एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर चेक करो, तो फिर से वही कहूंगा कि अगर वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट कर दोगे तो किसी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर चेक किया जाए तो जो टेम्परेचर बढ़ा उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर बढ़ा। देखो प्रेशर यहां बढ़ा है टी टू पे, प्रेशर टी टू की लाइन पर प्रेशर बढ़ा है एज कंपेयर टू टी वन की लाइन, तो टी टू पर प्रेशर बढ़ा है तो टी टू टेम्परेचर बढ़ा। मेरी बात समझो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफ में चले जाया करो, दो प्रेशर मिलेंगे, एक ये मान लो पी वन, इसे मान लो पी टू। अब पी टू आ रहा टी टू करस्पॉन्डिंग और पी वन आ रहा टी वन करस्पॉन्डिंग, भैया जो शक्ल से दिखने में प्रेशर ऊपर है वो बड़ा है, तो पी टू बड़ा है तो टी टू बड़ा है,
ये ग्राफ सही, पहला ग्राफ आ जाएगा 37वें का पहला बेटा। 38 नंबर, एक प्रोसेस है पी वी की पावर समथिंग, पी वी की पावर समथिंग, इसको बेटा पॉलीट्रॉपिक की तरह से करने की कोशिश करो। ऑल राइट तो बच्चों, ये सी प्रोसेस वाले फार्मूले से आपको बताया होगा, हमने अभी आज ही डिस्कस किया था कि सी प्रोसेस का एक जनरल फार्मूला है सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन, और एन बेटा कहीं और से लाना, यही एन है। पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसका कैपेसिटी निकाल सकते हैं आप, कर लेंगे बच्चों। इसके हिसाब से जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूं, द आंसर इज 7R/2, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। एन की जगह हाफ रख दो और बाकी आप कैलकुलेट करो। अच्छा कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के जो सी वी होता है, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर होता है बेटा, और मोनोटॉमिक के लिए 3/2R हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, आई थिंक ये बेटा वन में से आप निकालोगे 2R आ जाएगा, तो दूनी 4 3 7 आ जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी एम पी, वी एम पी का फार्मूला होता है बेटा, वी मोस्ट प्रोबेबल इज एक्चुअली नथिंग बट रूट ऑफ 2RT/m। अब जैसे आप साउंड में RT/m को पी बाई रो से रिप्लेस कर सकते हो, पी वी बराबर एन आर टी में पी बाई रो से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये भी 2P/ρ से रिप्लेस कर दो, ऑप्शन संख्या थर्ड आ जाएगा बेटा। 40वां नंबर, वी बराबर, इसको पहचानना कौन सी प्रोसेस है, तो वी बराबर कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ, पी की जगह रख दो पी वी बराबर एन आर टी, तो ये रख दो बेटा। आप एक काम करो, के कॉन्स्टेंट है तो पी बाई टी को रिप्लेस मारो जरा, तो पी वी बराबर म्यू आर टी से टी यहां से हटा दो, टी हटाओ, टी को ले आओ नीचे, और यहां से वी को हटा दो बेटा, वी को ले जाओ नीचे, तो पी बाई टी बराबर म्यू आर बाई वी हो जाएगा। सो कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ म्यू आर बाई वी होल पावर 1/33। अब मेरी बात समझो बेटा, वॉल्यूम की पावर 1/3 यहां से ले जाके यहां ले जाओ, तो वॉल्यूम की पावर 1 तो है ही, प्लस वॉल्यूम की पावर 1/3 और आ जाएगी, बराबर कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ म्यू मल्टीप्लाई बाई आर की पावर सबकी पावर 1/3। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम केवल कॉन्स्टेंट नंबर पर डिपेंडेंट है, तो कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट, मतलब वॉल्यूम टर्म एक्चुअली कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग कोई भी पावर टर्म है वो कॉन्स्टेंट 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 के, मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। प्रोसेस का नाम आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन सही। 41 आ जाओ, बढ़िया सवाल। 6 मोल है गैस के, आपको वर्क डन निकालना है, हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए, साइक्लिक प्रोसेस है, तो काश ये पीवी ग्राफ होता तो पीवी ग्राफ में लूप के अंदर का पूरा एरिया निकाल लेते, लेकिन अफसोस है पीवी नहीं है, पीवी नहीं तो बेटा इसको आप पीवी बराबर यानी पी डेल्टा वी की जगह पर आप म्यू मल्टीप्लाई बाई आर डेल्टा टी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, समझे। 6 मोल है गैस कॉन्स्टेंट आर, डेल्टा टी का मतलब देखो जरा सा, तो लॉजिकली समझो बेटा, पहला काम तो आपने बी से सी में किया होगा, टेम्परेचर बढ़ा है, सी में टेम्परेचर 2200 है और बी में 800 है, डिफरेंस आ जाएगा 1800 का, ये पहले केम में, और ये हो गया बी सी में। फिर ए डी में काम किया होगा, ए डी में टेम्परेचर घटा है तो वर्कडन ऑन सिस्टम होगा, यहाँ हो जाएगा 6 मोल गैसियस कॉन्स्टेंट आर है और टेम्परेचर डिफरेंस डी से ए में कितना है, तो डी में 1200 है, ए में 600 है, डिफरेंस आ जाएगा 600। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है प्लस, ये घटा है माइनस, और सुनो ए से बी में और सी से डी में, ध्यान से देखो, तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट है, पी वर्सेस टी का स्लोप कॉन्स्टेंट, मतलब पी बाई टी अगर कॉन्स्टेंट है तो पी वी बराबर एन आर टी से पी बाई टी बराबर म्यू आर बाई वी होगा, अगर पी बाई टी कॉन्स्टेंट है तो म्यू आर बाई वी कॉन्स्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस है, कोई वर्कडन नहीं होगा, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में कोई वर्कडन नहीं होगा बेटा, क्लियर है ना, नेट वर्कडन 0, तो यही वर्कडन कैलकुलेट करना, दोनों में डिफरेंस हो 84, 6 6 12 36 86 ये आ जाएगा 14 6, देख लो भाई एक बार कैलकुलेशन, कुछ गलती तो नहीं हो रही हमसे, 6 मोल्स ऑफ गैस है तो वो ठीक चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 6R, अगर कॉमन ले लोगे ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6R कॉमन लो, 1400 में मेरे हिसाब से बेटा अगर ये चला जाएगा द वर्क डन पर साइकिल, हम्म,
जूल के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताया जाएगा 6 6 जा, नहीं, भाई इसमें 6 आर कॉमन ले लो, 6 आर कॉमन ले लो, और 14 और 6 का डिफरेंस 800 आ जाएगा। अब आर की वैल्यू बेटा उसमें रखना जूल में, कैलोरी की जगह जूल में रखो बेटा, यस इट्स अ परफेक्ट चॉइस बेटा, बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर नासा, जैसे परफेक्ट चॉइस फॉर नासा बेटा, नासा का नाम क्या भाई, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक सो। तो नासा बेटा वैसे भी साइंटिस्ट के लिए है, तो बस आप ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन यू मे प्रोसीड टू रिसर्च एंड ऑल, तो आप जा सकते हैं वहाँ। बहुत अच्छा बेटा, डी पार्ट आ रहा है। हाँ मतलब आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू जूल में रखना, तो आर की कैलोरी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होती है जूल में, 8.31 के आसपास। तो यहाँ 8.31 के आसपास रखोगे तो ये मामला 50 पहुंचेगा, 50 48 4000 आ जाएगा। ठीक है सही है, आर नहीं है ना, आर की वैल्यू रखो 42 नंबर आ जाए बेटा, 42 नंबर। शक्ल देख के आंसर देना, एक आइडियल गैस फॉर एन आइडियल गैस इन द एबव प्रोसेस, 42 नंबर देखिए इसे बताना क्या क्या होगा। देखो लॉजिकली समझो, एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के जो ग्राफ के अंडर का एरिया है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, कंफर्म है वर्क डन तो पॉजिटिव होगा। और पीवी का स्लोप कांस्टेंट है, एक बात और समझो, ठीक है, और एक्सपेंशन वर्क डन पॉजिटिव है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो अच्छा वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ अगर प्रेशर घटता तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ा मतलब टेम्परेचर ही बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो बेटा इंटरनल एनर्जी का चेंज भी पॉजिटिव होगा भाई। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, एक करेक्टर बढ़ेगा, पी कॉन्स्टेंट रहे, वॉल्यूम बढ़े और प्रेशर घटे तो मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल का एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने का काम, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वर्क डन ऑन सिस्टम, नो इट इज वर्क डन बाय सिस्टम एक्सपेंशन, हीट इज टेकन बाय द सिस्टम बेटा, दोनों पॉजिटिव हैं तो जो क्यू आएगा वो डब्ल्यू और डेल्टा यू के सम के बराबर होता है, ये पॉजिटिव क्यू भी पॉजिटिव, हीट इज टेकन बाय सिस्टम, यस आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड नंबर 43, बढ़िया सवाल। 43 कह रहा है, कह रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे एडियाबेटिक आया और गामा लिखा हो तो पीवी की पावर, ये अच्छा सवाल है यार, सब लोग देखोगे, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, आराम समझना बेटा। 43 देखो, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब वॉल्यूम का जो फ्रैक्शनल चेंज हमसे पूछ रहा है, वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज, एक काम करो फ्रैक्शनल इधर की पहले लोगे तो आप, हाँ मैक्सिमम 10 चलें, तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब इसका लॉगरिथम ले लो बेटा, सो लॉग ऑफ पी प्लस गामा टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लॉग ऑफ कांस्टेंट बेटा, लॉग ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, सो डेल्टा पी अपॉन पी प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, और कांस्टेंट का हो जाएगा बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा पी बाई पी प्रेशर की जो फ्रैक्शनल एरर है वो माइनस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूम की फ्रैक्शनल एरर की, प्रेशर की जो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा बेटा। ऑल राइट,
अब इनमें से एक की इंफॉर्मेशन दी गई, इनमें से किसी एक की इंफॉर्मेशन दी गई बेटा, क्या दी गई, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई। इसमें से एक काम कर लो, जैसे 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 प्रेशर इज इंक्रीज बाई 2/3%, तो प्रेशर का जो फ्रैक्शनल चेंज है वो 2/3 है, परसेंट है ना, 2/3। अब चाहो तो 100 का मल्टीप्लाई करो, पूरा परसेंटेज रख सकते हो, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर लो, इधर परसेंटेज आएगा। बराबर गामा टाइम्स ऑफ, गामा की वैल्यू कितनी दी गई, 3/2। अब वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज हमको मिल जाएगा, ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है बेटा, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो आंसर आई थिंक 4/9 आ जाएगा। वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज 4/9 आ जाएगा बेटा, विद नेगेटिव साइन, डेप्रिशिएट होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डेप्रिशिएट होगा। क्लियर बेटा, 49th का पहला पार्ट आएगा बेटा, बढ़िया सवाल बेटा। अरे लोकी जोकी इससे क्या फर्क पड़ता है, यू मे चेंज योर नेम मिस्टर लोकी जोकी, यू मे चेंज योर नेम डियर, इट्स अ गुड नेम, लोकी इज द नेम आई थिंक अ कैरेक्टर वो हैव बीन प्लेइंग अ गुड रोल इन सीरीज ऑफ मार्वल्स, मार्वल सीरीज का बड़ा अच्छा कैरेक्टर है भाई लोकी, और थार का ठीक अपोजिशन वाला है ना। 44th नंबर, इन द फॉलोइंग डायग्राम नेट अमाउंट ऑफ द वर्क डन, बच्चों ऐसे समझो कि पी वर्सेस वी ग्राफ में अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो ओवरऑल एक्सपेंशन होता है अंडर हाई प्रेशर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ओवरऑल कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन अमाउंट ज्यादा है सो नेट वर्क डन नेगेटिव होगा बेटा, दोनों ग्राफ के एरिया में कंप्रेशन अमाउंट ज्यादा है, नेगेटिव वर्क डन। 45 पे आ जाओ, आइडियल गैस एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो कर रही है, आपको पीटी का रिलेशन बताना बेटा, यही रिलेशन आई थिंक पीछे भी आया था अगर आपको याद हो तो, बच्चों आपको याद होगा कि पी की पावर गामा माइनस वन और टी की पावर गामा, आई थिंक यही ऑप्शन सही है बेटा, है ना। ये कहां से निकलेगा, पीवी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट और पीवी बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, दोनों को असेंबल कर दो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये 45 नंबर, आइए 46 नंबर की तरफ चलते हैं बेटा, सवाल नंबर 46 की तरफ आ जाओ। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन अ केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी एक्स केल्विन, इसको मेजर किया जाए फॉरनहाइट में तो कितना वैल्यू होगा, तो बच्चों केल्विन का रिलेशन लगा लो, रिलेशन बड़ा सिंपल सा है, एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर एक्स केल्विन माइनस 273 273 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा बेटा, करिए। अब देखो बड़ी अच्छी बात कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन केल्विन स्केल एक्स केल्विन है और वही फॉरनहाइट स्केल में एक्स फॉरनहाइट, तो यहां भी एक्स रख दो बेटा, अब तो बहुत ही आसान, लेट्स हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंगल अननोन है एक्स की, आंसर आ जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा 574.25 आ जाएगा बेटा, करिए कैलकुलेशन आराम से। कह रहा है जो फॉरनहाइट का टेम्परेचर है वही केल्विन के टेम्परेचर का नाम है, तो फॉरनहाइट और केल्विन दोनों का कोरिलेशन ये होता है, उसमें दोनों जगह एक्स एक्स पुट कर दिया, अननोन पुट कर दिया, आंसर आपके सामने। 47 नंबर देखिए, एक गलत थर्मामीटर के बारे में सवाल है, उसके जो लोअर और अपर पॉइंट बेटा 5 और 95 मेंशन, ये 5 है ये 95 है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और उस पर किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दिखाया जा रहा है, नहीं टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी शोन इन सेल्सियस स्केल 40 है, इस पे नहीं, ये फॉल्टी है, इस पे टेम्परेचर पता नहीं कितना है, और सेल्सियस पे उसी बॉडी का टेम्परेचर 40 जिसका लोअर पॉइंट 0 होता है अपर पॉइंट 100 होता है, कोरिलेट करने का तरीका हम सिखाया था, एनी टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर 95, 5 का डिफरेंस 90, एनी टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस ये, कैलकुलेशन कीजिए इत्मीनान के साथ, आपका जो आंसर है वो तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, कर लेंगे बेटा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ 45 भी देखते हैं बेटा, देखते हैं क्या डी पार्ट आ रहा है, क्या चेक कर लेंगे। अगला कह रहा था हाईएस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू 1/40, अर्थ की सरफेस से कितने ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 1/64 हो जाएगा, तो मान लो यहां ग्रेविटी जी बाई 64 हो जाए, तो आपको याद होगा अगर अर्थ की सर्फेस पर ग्रेविटी जी ली जाए तो किसी एच हाइट पर जाने से ग्रेविटी इफेक्ट होती है, अगर वो ग्रेविटी इसके बराबर तो उस ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू होती है जी अपॉन 1 + h / re का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, काटा पीटी करोगे तो 1 + h / re का होल स्क्वायर बराबर 64 क्या जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा 8, तो 1 + h / re बराबर 64 करोड़ कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7, h = 7re,
और 7 RE का मतलब हो गया 7 × अर्थ की रेडियस 6400 इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, या अर्थ की रेडियस 6 × 10^6 मीटर, सच्छंग 42। कुछ गड़बड़ तो नहीं बेटा? अब अर्थ से हाइट कितनी है? तो सुनो बेटा, अर्थ की सरफेस से हो गया 7 और एक अर्थ की खुद की रेडियस 8 हो गया बेटा, एक्चुअली 8 टाइम्स हो जाएगा, अर्थ की रेडियस का 8 गुना हो जाएगा, 8 × 48 या 3600 ले लोगे? अरे यार क्या लिख रहे हैं, 63, मैंने समझे। अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी आई? 7 RE के बराबर, और अर्थ के सेंटर से कितनी हो जाएगी? 1 RE और जुड़ जाएगा, सो अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की हाइट हो जाएगी 8 RE, और आर ई होती है बेटा 6370 किलोमीटर, या 6.37 × 10^6 इन टर्म्स ऑफ मीटर, मल्टीप्लाई 48 से थोड़ा ज्यादा, मेरे हिसाब से बेटा कम से कम 54 तो आना चाहिए, 8 × 56, हाँ बेटा बिल्कुल आएगा, श्योर। तो मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 48 का, क्यों भाई चेक कर लो। हाँ लेकिन एक बात और सुनो, इट्स वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस से पूछ रहा है बेटा, तो 8 नहीं 7 RE ही लेना है, तो सच्छंग 42 से ज़्यादा 45 के आसपास आएगा। अब ठीक है, हाँ सरफेस से बेटा पूछा है, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हुई हमसे, सरफेस से पूछ रहा था बेटा। यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड डियर लोकी जोकी, एंड नो नीड टू लर्न टू मच ऑफ एनी लैंग्वेज, यू जस्ट नो ओनली दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज विच इज मोस्टली यूज इन कम्युनिकेशन। जैसे अगर मुझसे somebody say me to go Russia and learn whole Russian language, I'll never be interested because I will learn there only the things which are essential to speak and communicate. I don't want to learn, मुझे ये नहीं वहाँ poetry थोड़ी पढ़नी, I don't want to learn the poetry. I want to know only that part of language which is essential for the communication. So, Loki Jogi, I would like to suggest you कि कृपया आप केवल उतना ही पार्ट पढ़े बेटा। कितना आप केवल आप उतना ही पढ़े जितना जरूरी बेटा। रफ कर दें 48 के बाद 49 नंबर बेटा, बहुत आसान सवाल। किसी भी चीज़ के अगर दो टुकड़े करने हैं, चाहे चार्ज पार्टिकल के हो, एम मास को दो पार्ट में स्प्लिट करो ताकि उनके बीच का M/m मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमाइज हो सके बेटा। तो अगर क्यू चार्ज के दो टुकड़े करने हो बेटा, तो दो इक्वल हाफ टुकड़े करोगे तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा मैक्सिमाइज होगा। इसी प्रकार से एम मास के दो टुकड़े करने हो बेटा, आप इसके दो टुकड़े कर दो m/2, m/2, तो उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो रेशियो बेटा 1:1 रहना चाहिए दोनों टुकड़े का रेशियो, या ऐसा कहते बेटा कि पूरे पार्ट का मास 1 है, तो पूरे पार्ट में अगर ये m है तो जिसका एक टुकड़ा अलग हो वो m/2 हो, तो बचा हुआ दूसरा टुकड़ा अपने आप m/2 हो जाएगा। भाई एक मान लो टुकड़ा m/2 निकल गया, तो बचा हुआ m-m/2 बचेगा, क्लियर। अब इनमें से m और m का, तो जिसका नाम m रखा आपने उसका कैपिटल M के साथ रेशियो क्या होगा? तो m/2 का m के साथ रेशियो 1:2 हो जाएगा, बी पार्ट सेकेंड पार्ट बेटा। चार्ज होता तो भी ऐसे ही करते बेटा। आखिरी सवाल, इफ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ ऑफ द अर्थ, तो हमसे कह रहा है कि उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की आप वैल्यू बताएं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन डिपेंड करता है कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाई ME अपॉन आर स्क्वायर, और हम उस प्लैनेट की बात करें जिसके करेक्टर अर्थ के करेक्टर से मिलते जुलते हैं। सो मास एंड रेडियस दोनों आधी कर दो, तो जी वही रहेगा मास आधा और रेडियस आधे का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 4, 2 से काटोगे ऊपर 2 आएगा, ये 2 इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो वहां की ग्रेविटी ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट विल बी ट्वाइस द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी की, अर्थ अगर 9.8 है तो 19.6 हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्लियर बेटा। तो ये थे आज के आपके प्यारे प्यारे से 50 सवाल। थैंक यू लोकी जोकी, चलो सो वेरी इंटरेस्टिंग सेशन विद ऑल ऑफ यू बच्चों। और हाँ थर्मोडायनेमिक्स जहाँ तक रही बात NCERT से, तो बेटा जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए प्लीज़ जो छूटा करे उसको परेशान मत हुआ करो, कुछ अगर सेशन रह गया बेटा, सो वी विल, थैंक यू बेटा,
तो वी विल एक बार कवर अप इट अगेन। तो हम लोग बेटा जब भी कभी फुर्सत मिलेगी तो फुर्सत के लम्हों में एक बार फिर से एनसीईआरटी को थर्मोडाइनेमिक्स वाला पार्ट एनसीईआरटी पीडीएफ से कर लेंगे। मिलते हैं बेटा होपफुली इसी वीक से, मतलब कल से शाम वाले पैटर्न पर अपने सेशन पर। और बच्चों एक और अच्छी बात है कि अब उन दिनों पर क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब नहीं होगी, जिन दिनों पर मान लीजिए बायोलॉजी का अगर रैपिड फायर रिवीजन होता है सिंह सर के थ्रू, तो सर ने सजेशन दिया था कि वो क्लास को थोड़ा सा पहले कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, वो सब चैनल की स्ट्रेटजी है ना। न्यू लाइट फैमिली का प्रयास रहेगा हमेशा कि आपकी कोई भी क्लास डिस्टर्ब ना हो, हर क्लास समय के हिसाब से लगे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और नो इट्स नॉट माइंड डियर, चलें तो अपना ख्याल रखिए। चलते बेटा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पर। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग।